पिंपल्स का प्रॉब्लम है और जिनका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ऑयली स्किन के कारण हमारे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिससे हमारा फेस बहुत ज्यादा गंदा दिखने लगता है और हमारे फेस पे बहुत ज्यादा काले दाग धब्बे भी हो जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको एक होममेड फेस पैक बना करके दिखाऊंगी और इसमें मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज की है वो इजीली आपको मार्केट में बहुत ही कम बजट में बाय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पैक का क्या प्रोसीजर है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपको एक क्लीन बाउल लेना है। इसके बाद इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी और भी बहुत सारे, जैसे विटामिन डी, विटामिन के, ये सब चीज़ पाए जाते हैं जो कि हमारे फेस के काले दाग धब्बे को रिमूव करता है, पिंपल्स को रिमूव करता है और हमारे फेस के रंगत को निखारने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी आपको हाफ टी स्पून लेनी है। हनी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे स्किन पे मॉइस्चराइजर का काम करता है और ये हमारे त्वचा, हमारे स्किन को यंग बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करती है। तो इसके बाद आपको ऐड करना है इसमें लेमन। लेमन आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपको 2 से 4 ड्रॉप ही लेनी है। तो अब इसमें हम लेमन को ऐड करेंगे। लेमन में विटामिन सी पाया जाता है और ये हमारे त्वचा पे जमे हुए गंदगी, डस्ट वगैरह को रिमूव करके हमारे त्वचा को निखारने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और लास्ट में आपको रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर के हेल्प से हम इसे एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। रोज़ वाटर हमारा ड्राई स्किन को सॉफ्ट बनाता है और ये हमारे स्किन टेक्चर को भी सुधारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो अब आपको इस तरीके से आपको एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। तो यहाँ पे मेरी जो पैक है वो अब रेडी हो गई है। ध्यान रहे कि आपका जो पैक है वो ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब अपने फेस पे इसे अप्लाई करेगा तो आपको अप्लाई करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और अब हम अपने फेस पे इसे करेंगे अप्लाई। अप्लाई करने से पहले हमारे फेस पे जो भी मेकअप है उसे हम अच्छे से रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने फेस पे करेंगे अप्लाई। तो कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करनी है और ये जो पैक है आपके फेस को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगा। आपका फेस का जो भी प्रॉब्लम होगा, काले दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स, ये सब को धीरे धीरे रिमूव करके हमारा फेस को बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड गोरा बना देती है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लें। तो यहाँ पर मेरी पूरी फेस पर अच्छे से ये अप्लाई हो गई है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पे मेरा जो पैक है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसे हम अपने फेस से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक गीला हैंकी लिया है और इससे अब हम अपने पैक को रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट वाटर से फेस को वॉश भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं, आराम आराम से सॉफ्टली हैंड से आराम आराम से करनी है। अगर आप इस तरीके से करिएगा तो आपका फेस पर जो भी डस्ट, गंदगी वगैरह हमारे फेस पे रहते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। हमारा फेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एक ही बार मेरा फेस पे कितना ज़्यादा चमक आ गया है। बट ये आपको रेगुलर करना है फ्रेंड्स, और वीक में आपको 2 बार करना ही करना है। लेकिन इससे पहले आपको ये चेक करनी होगी कि इसमें मैं जो भी इन्ग्रीडियंट्स यूज किए हैं वो आपके स्किन पर सूट करता है या नहीं और सूट करता है आपके स्किन पर। तो आपके लिए ये पैक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।